So hello students, welcome to Rishan Salutech. I am Ashish Singh, our science teacher, and we are going to study about the 8th part or our next part of your first physics chapter, whose name is light. Students, this is a part 8. It means we already studied about the previous 7 part, in which we learnt about so many important topics regarding reflection. Up to part 6 we complete our topic reflection, and from part 7 we just started our diffraction of light. And in this part we are going to study about more knowledge. We are going to take more knowledge about the diffraction of light. Students, जैसा कि आपको बताए कि ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट 8 हमारा होगा इस लाइट चैप्टर का, जिसमें हम अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ही कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जो हमारा पार्ट 1 टू पार्ट 6 था, इसमें हम लोग अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़े हैं. इसको पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, जिसमें हम लोग अपने मिरर के बारे में पढ़े हैं, प्लेन मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में. ठीक है, जो हमारा इससे जस्ट पहले हम लोग जो पार्ट पढ़े हैं, पार्ट 7, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. फिर हम लोग पढ़े हैं कि कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है. फिर हम लोग पढ़े थे अपने ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम के बारे में. फिर हम लोग पढ़े थे कि रूल्स ऑफ बेंडिंग व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ये सारी चीज़ें हम लोग अपने पार्ट 7 में कंप्लीट कर चुके थे. ठीक है, ये हमारा पार्ट 8 है, और यहाँ से हम लोग अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और वो हमारा होगा इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी हमारे निजी जीवन में, हमारे डेली लाइफ में हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या देखने सुनने को मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग का फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला इफेक्ट्स आपको हम बताएंगे कि ए स्टिक पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस. अगर आप किसी वाटर के सरफेस में, यानी किसी वाटर में, आप वाटर में किसी लकड़ी को, किसी स्टिक को, किसी पेंसिल को एक ऑब्लिकली एंगल पे क्या करते हो, डालते हो, तो आप देखते हो कि जो हमारा वाटर का सरफेस है, उस सरफेस से हमारा स्टिक जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ के कंपेयर में बेंड हुआ दिखाई देता है. आपको बेंड हुआ दिखाई देता है. जैसे देख लो, जैसे एक बच्चा है जो इस वाटर सरफेस में एक स्टिक को डुबा के रखा है, तो ये स्टिक का ओरिजिनल जो पाथ है ये है, लेकिन ये आपका वाटर सरफेस के बाद इस तरीके से क्या हो गया, मुड़ गया है. अगर ये अपने ओरिजिनल पाथ पे जाता तो ये कुछ इस प्रकार से जाता, लेकिन ये अपने वाटर सरफेस पे इस प्रकार से ये क्या हो गया है, बेंड हो गया है. तो ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या है, मेन कॉज है. अब ये लाइट का रिफ्रैक्शन का मेन कॉज कैसे है, ये क्यों हमारा लाइट जो है ये जब आपका वाटर में, जब हमारा पेंसिल गया, जब स्टिक गया, या जब कोई आपका सब्सटेंस वाटर में गया, तो वाटर के सरफेस पे हमको वो बेंड करते हुआ क्यों दिखाई दिया. क्या वो एक्चुअल में बेंड होता है, या आपको बस ऐसा लगता है कि वो बेंड किया हुआ है. तो देखिए, एक्चुअल में तो बेंड नहीं होता है, क्योंकि अगर पेंसिल को बाहर निकालते हैं तो फिर पेंसिल आपका सही सलामत होता है. एक्चुअल में बेंड हुआ होता तो टूट जाता पेंसिल, तो एक्चुअल बेंडिंग नहीं होता है. हाँ, जो पेंसिल के बेस को आप देखते हो, वो बेस आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. किसके चलते, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते. और चूंकि उस पेंसिल का बेस आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ऐसा आपको लगता है कि उस पेंसिल का जो आपका बेस है वो क्या हो गया है, बेंड हो गया है. कहाँ पे, वाटर के सरफेस पे. तो ये कहानी क्यों होती है, क्यों आखिर में मेन रीजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या है,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहाँ कैसे अपना काम करता है कि जो पेंसिल का बेस है उसका इमेज जो है वो ऊपर की तरफ बन जाता है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम ये डायग्राम के हेल्प से आपको समझाएंगे इसको। मान लीजिए कि ये वाटर है, ये हमारा क्या है, वाटर है। इसको हम आपको बना कर दिखाएंगे। ये वाटर सरफेस है, लेट सपोज ये वाटर सरफेस है, हमारे पास एक पेंसिल है, ठीक है, हमारे पास एक पेंसिल है। ये हमने क्या किया, एक पेंसिल को, ये हमने क्या किया, एक पेंसिल को अपने वाटर में पोर किया, ठीक है। ये पेंसिल है, यहाँ से हमको देखना है, यहाँ से हमको इसको देखना है, यहाँ से हमको देखना है, ठीक है। अब देखिए आपको हम बताए थे, रिफ्लेक्शन से ही बताते आ रहे हैं कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी पिक्चर को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम से कम उससे दो इंसिडेंट रे निकलनी चाहिए, ताकि जहाँ पे वो दो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे मीट करे उसी पॉइंट पे क्या बनता है, उसका इमेज बनता है। तो अगर हमको इस पेंसिल के बेस को देखना है तो इस बेस से कम दो इंसिडेंट रे निकलेगा और निकल के हमारे आँखों तक जाएगा, और वो दोनों रिफ्रैक्टेड रे, उस इंसिडेंट रे के जो दोनों रिफ्रैक्टेड रे होंगे वो जहाँ मीट करेंगे वहाँ पर इस पेंसिल के बेस का हमको इमेज दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए एक आई वन आपका इंसिडेंट रे है जो इस पेंसिल के बेस से निकला, ये आपका आई वन इस पेंसिल के बेस से निकला। अब देखिए ये हमारा बाउंड्री है, किसका बाउंड्री है, वाटर का। इधर में कौन है, इधर में कौन है बाबू, इधर में कौन है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर हमारा क्या है, समझिए तो फर्स्ट मीडियम, यहाँ पे आपका वाटर क्या है, फर्स्ट मीडियम, जहाँ से लाइट आपका निकलेगा, ठीक है। और ये क्या है, एयर, ये है एयर, यानी कि सेकेंड मीडियम, ये क्या है, सेकेंड मीडियम, जहाँ को लाइट जो है वो जाएगा, ठीक। आपको हम बता रहे थे कि ये आपको बेस को देखना है, तो एक इंसिडेंट रे यहाँ से निकला और निकलने के बाद वो आपका इस वाटर के बाउंड्री पे गया। अब देखो अब बाउंड्री पे जाने के बाद ये डेंसर मीडियम से इसको कहाँ जाना है, रियर मीडियम में। डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाना है, सबसे पहले आप क्या करो, एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ये आपका क्या है, एक नॉर्मल है, मान लीजिए नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल से दूर जाएगा या नॉर्मल की तरफ आएगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगा या नॉर्मल की तरफ आएगा। तो चूंकि डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जा रहा है तो ये नॉर्मल से क्या कर जाएगा, दूर भाग जाएगा। कैसे पता कि नॉर्मल से दूर भागा है, आप ये वाले एंगल और इस वाले एंगल को मेजर करो, ये आपका एंगल ज़्यादा है, ये वाला एंगल कम है, ठीक है। एक दूसरा इंसिडेंट रे आप निकालो, एक दूसरा इंसिडेंट रे निकालो, ठीक है। ये देखो ये एक दूसरा इंसिडेंट रे है, ये भी आपका एक नॉर्मल बाउंड्री पर गया, ठीक है। ये मान लीजिए नॉर्मल है, ये भी आपका डेंसर से रियर में जा रहा है, तो डेंसर से रियर में जाने के लिए ये भी क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पाथ से भटक के और अपने इस नॉर्मल से क्या करेगा, दूर भाग जाएगा, नॉर्मल से क्या करेगा, दूर भाग जाएगा। अब ये हमारा R1 और ये हमारा R2, और ये दोनों R1 और R2 जहाँ मीट करेंगे वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखते हैं कि ये दोनों R1 और R2 कहाँ मीट करते हैं, ठीक है। अब इस R1 को, इस R1 को हम पीछे की तरफ लेके आते हैं, इस R1 को हम पीछे की तरफ लेके आते हैं, और इस R2 को भी हम पीछे की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। इस R2 को भी हम पीछे की तरफ लेके आते हैं, ये दोनों इस पॉइंट पे क्या कर गए हैं, मीट कर गए हैं। अब जो पेंसिल का ये बेस था जो यहाँ पे बन रहा था, अब वो बेस जो है यहीं से बेंड होके, आपको लगेगा कि वो बेस कहाँ बन रहा है, वो बेस जो है वो पेंसिल का यहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए आपका इमेज जो है अपने ओरिजिनल पेंसिल का जो बेस है इसके ऊपर बनते हुए दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इस एरिया में क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, इस एरिया में क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। पहली जो लाइट है वो गई है, फिर वो डेंसर से रेयर में गई है, दूसरी भी लाइट गई है तो डेंसर से रेयर में गई है। अब ये दोनों इंसिडेंट लाइट, दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर मीट कर रही है, इसीलिए इमेज यहाँ पर बन रहा है, और इसीलिए आपको दिखाई ये आपके ओरिजिनल बेस के ऊपर दे रहा है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेन कॉज होता है, जिसके चलते हमको कोई भी पानी में ऑब्लिकली किसी स्टिक को हम डालते हैं तो वो उसका जो एक्चुअल उसका जो पॉइंट होता है उसके ऊपर वो क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि आपका ये फर्स्ट आई वन तो उसका ये आर वन, ये सेकेंड आई वन तो उसका ये आर टू, और ये दोनों आर वन और आर टू आके यहाँ मीट किए हैं, जिसके चलते आपका इमेज जो है आपका ऊपर बना है। तो ये जो हमारा पहला आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, जिसमें हमने ये समझा कि हमारे इंसिडेंट, ये हमारे वाटर बॉडीज में कोई भी पेंसिल या स्टिक को हम ऑब्लिकली रखते हैं तो हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने इफ़ेक्ट्स का,
कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेस्ट। अगर आप पानी के अंदर कोई चीज़ को प्लेस किए हो और ऊपर आप ऑब्लिकली देख रहे हो तो वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, आपको वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे देखिए अभी इसमें आपका हमने एक एम्प्टी कंटेनर लिया, ये एकदम बिल्कुल खाली कंटेनर है, ये आपका बिल्कुल खाली कंटेनर है, इसमें कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पे हमने क्या रखा है, आपका एक क्वाइन रखा है, यहाँ पे एक क्वाइन रखा है और बिल्कुल हम इसको सीधा तरीके से देख पा रहे हैं, बिल्कुल हमको सीधा तरीके से देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्वाइन है, देखिए क्वाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, सब कुछ सही है, यहाँ पे क्वाइन रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको पानी से भर दिया। अब पानी से जैसे ही भरा फिर उसी क्वाइन को देख रहे हैं, तो अब वो क्वाइन जो यहाँ पे था आपको पहले से पता था, अब वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ओरिजिनल जो हमारा पोजीशन है क्वाइन का वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें अभी शॉर्ट में आपको बताएं तो इसमें भी वही कारण होता है कि ये अगर हमारा कोई कंटेनर है, मान लो कि इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, मान लो कि इसमें पानी भरा हुआ है, यह पानी जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई क्वाइन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई क्वाइन है, यहाँ पे कोई क्वाइन है, ये कोई क्वाइन रखा हुआ है और यहाँ से आपको देखना है, ठीक है, यहाँ से आपको इस क्वाइन को देखना है। तो दो इंसिडेंट लाइट रेज, फिर से हम बताएंगे कि उस दो इंसिडेंट लाइट रेज को निकालिए। चलिए दो इंसिडेंट लाइट रेज को हम निकालते हैं। तो पहला हमारा इंसिडेंट लाइट रे इस क्वाइन से निकला, ये मान लीजिए आई वन, ठीक है, अब ये हो गया नॉर्मल, ये हमारे नॉर्मल से क्या किया, दूर भाग गया। ये निकला आई टू, ये हो गया नॉर्मल, ये भी नॉर्मल से क्या किया, दूर भाग गया। अब ये दोनों इंसिडेंट लाइट रे को आप लेके पीछे की तरफ आइए, ये दोनों इंसिडेंट लाइट रे जो होंगे ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, मीट कर जाएंगे, जहाँ पे आपके इस क्वाइन का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही मेन आपका कारण था। किसका मेन कारण था, तो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपने वाटर बॉडीज के बेस में प्लेस किए हैं तो हमको अपने ओरिजिनल पाथ से ऊपर उठा हुआ, ऊपर रेज्ड किया हुआ क्या करता है, दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हम बताए भी हैं कि व्हेन द क्वाइन इज अंडर वाटर देन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अ वर्चुअल इमेज ऑफ द क्वाइन इज फाउंड नियर द वाटर सर्फेस एंड सिंस द वर्चुअल इमेज ऑफ क्वाइन विच वी सी नियर टू द वाटर सर्फेस सो द क्वाइन अपीयर्स टू राइज ऑन एडिंग वाटर इन द बेसिन। यानी कि जो हमको क्वाइन दिख रहा था उस क्वाइन में जब हम वाटर ऐड किए हैं तो उसके चलते वाटर ऐड करने के चलते वहाँ पे आपका दो गो मीडियम बन गया है, और दो मीडियम जैसे ही बना है तो फिर आपका लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, और लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है तो हमको ऊपर उठा हुआ वो क्वाइन हमको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चलिए हम अपने तीसरे इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट इज़ एक्चुअली। एक आपका स्विमिंग पूल जो होता है वो जितना गहरा होता है उससे कम गहरा दिखाई देता है। अब कम गहरा क्यों दिखाई देता है, मान लीजिए स्विमिंग पूल है, इसको जाके हम लोग ऊपर से ऐसे देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि वो स्विमिंग पूल का गहराई क्या है, कम है। और गलती से उसमें कूदने का प्रयास मत कीजिएगा, उसमें जंप करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको लग रहा है कम है, एक्चुअल में वो कम नहीं होता है। वो लग इसलिए रहा है कम है क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये आपका एक स्विमिंग पूल है और ये पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं, ये स्विमिंग पूल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी से भरा हुआ है, यहाँ से आपने देख रहे हैं। अब ये इस बेस को आपको देखना है, इसी बेस को आपको देखना है ना, इसी बेस को आपको देखना है। अब दो इंसिडेंट रे, ये आपका पहला इंसिडेंट रे और ये आपका दूसरा इंसिडेंट रे निकला। ये जो पहला इंसिडेंट रे निकला वो आपका उतना ही एंगल पे क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है, वो आपका रिफ्रैक्ट तो हुआ उधर, लेकिन पीछे की तरफ हम लेके आएंगे कि जहाँ मीट करेंगे वहीं इमेज बनता है। तो आपका ये क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कहाँ मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब इस पॉइंट पे मीट कर रहा है तो ये पॉइंट हमारे ओरिजिनल डेप्थ से क्या है, ऊपर है, ओरिजिनल डेप्थ से ऊपर है, तो इसीलिए आपका इस स्विमिंग पूल का इमेज जो है ये ऊपर की तरफ बनता है, या हमारा ऊपर उठा हुआ बनता है। तो ये चाहे हमारा पेंसिल वाला एग्जाम्पल हो,
चाहे स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल हो, चाहे उस कोई वाटर बॉडीज में हम कोई क्वाइन डाल देते हैं या कोई सब्सटेंस डाल देते हैं उसका एग्जाम्पल हो, ये सब हमको ऊपर उठे हुए इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, और वो लाइट चूंकि डेंसर मीडियम से चल के रेयर मीडियम, क्योंकि हम देख रहे हैं रेयर मीडियम में खड़े होके, और वो लाइट आ कहाँ से रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है, तो उस लाइट को डेंसर मीडियम से चल के रेयर मीडियम में आना होता है, तो अपने बाउंड्री पर वो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्ट करता है, बेंड होता है, और जहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टिव रेज मीट करते हैं वहीं पे जाके उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज वहाँ मीट करते हैं जहाँ वो एक्चुअल आपका ओरिजिनल पाथ होता है उसके ऊपर मीट करते हैं, इसीलिए इमेज का फॉर्मेशन आपको ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, ये कंक्लूजन आपको निकालना होगा। चलिए अब हम बात करेंगे अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, कि लाइट का आप लाइट के रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है, लाइट के रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है। देखिए यहाँ पे पहले आपको एक हम डायग्राम दिखाए हैं जहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये हमारा M1 मीडियम है, ये हमारा M1 मीडियम है, ये हमारा M2 मीडियम है। M1 मीडियम में हमने क्या रखा है, एयर, और M2 मीडियम में हमने क्या रखा है, ग्लास। M2 मीडियम में हमने क्या रखा है, ग्लास रखा है। ठीक है, दो मीडियम है हमारा, एक इंसिडेंट लाइट रे है जो आपका M1 मीडियम में आपका चल के आ रही है और आके इस ग्लास के बाउंड्री पर टकरा रही है। टकराने के बाद हमने यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ये देखने के लिए कि हमारी लाइट बेंड करेगी या गो अवे जाएगी, तो ये लाइट जो है इस नॉर्मल के तरफ क्या कर गई है, बेंड कर गई है। नॉर्मल के तरफ क्यों बेंड कर गई है, इसका रीजन आपको हम कल बता दिए थे, क्योंकि ये लाइट जो है वो आपका रेयरर ऑप्टिकल रेयरर मीडियम से चल के ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जा रही है, तो जब भी कोई लाइट ऑप्टिकल रेयरर मीडियम से चल के ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाती है तो वो इस नॉर्मल के तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट रे है एंगल आई का फॉर्मेशन करते हुए, एंगल आर से वो क्या हो गई, बेंड हो गई। ठीक है, अब इसी का हमको क्या देखना है, लॉज देखना है, इसी का रूल देखना है। तो सबसे पहला लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये आपको रिफ्लेक्शन में भी मिला था कि जहाँ भी आपका रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, वहाँ पे जो इंसिडेंट रे होंगे, जो रिफ्रैक्टेड रे होंगे, और जो हमारा नॉर्मल होगा, वो एक ही पॉइंट पे लाई करेगा और एक ही प्लेन में होगा, एक ही पॉइंट पे और एक ही प्लेन में आपका होगा। ये हमारा सबसे पहला लॉ है, प्लेन भी हमारा एक ही होगा और पॉइंट भी हमारा वही होगा, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस पॉइंट पे हमारा इंसिडेंट रे आएगा, जिस पॉइंट पे हमारा नॉर्मल ड्रॉ होगा, और जिस पॉइंट से ही आपका बेंडिंग होगा, डैट पॉइंट इज कॉल्ड आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दूसरा लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस रिलेशनशिप वॉज डिस्कवर्ड बाई स्नेल एक्सपेरिमेंटली 1621। सो द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। चलिए समझिए कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। मान लीजिए आपके पास एक पेयर है मीडियम का, जिसमें एक मीडियम से लाइट चल के दूसरे मीडियम में आ रही है, तो जिस मीडियम से लाइट चल के दूसरे मीडियम में आएगी, तो जहाँ से चल के आ रही है वहाँ, और जब आपका वो बेंड होगी, वहाँ पे आपका एंगल आई और एंगल आर का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आपको एक रिलेशन देता है। कैसा रिलेशन देता है, हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का एक रिलेशन देता है। ठीक है, देखिए रिलेशन तो दिया था हमारा रिफ्लेक्शन के लॉज में भी, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लेकिन यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर नहीं है। तो सर यहाँ पे फिर क्या है, तो यहाँ पे जो आपका एक रिलेशन है वो ये है कि एंगल आई का साइन, यानी साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट का मतलब एक फिक्स वैल्यू होता है, एक फिक्स नंबर होता है। किसका किसका रेशियो, साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड चूंकि ये आपका स्नेल्स एक्सपेरिमेंटल के द्वारा 1621 में दिया गया है, जिसके चलते इस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ
रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब ये आपका जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए, इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा रिलेशन होता है, तो आपको एक रिलेशन मिलता है। किसमें रिलेशन मिलता है आपको, रिलेशन मिलता है बिटवीन एंगल आई एंड एंगल आर। और वो रिलेशन क्या होता है, तो वो रिलेशन आपका ये होता है कि साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि साइन आई by sin r is equal to refractive index को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो यहां से आपको रिलेशन निकल गया sin i by sin r is equal to n। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इस, ये आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखिए, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो हम बहुत कुछ बातें करेंगे, लेकिन शॉर्ट इंडिकेशन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द अमाउंट ऑफ अ नंबर विच शोज द डिग्री ऑफ बेंडिंग इन द सेकेंड मीडियम। हमारा लाइट जब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है, तो सेकेंड मीडियम में जाने के बाद वो लाइट कितना बेंड करेगी, जो डिग्री होगा बेंडिंग का, इस बेंडिंग के डिग्री को ही मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाने का, बताने का काम किसका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। किसका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। जैसे याद कीजिए, मिरर में आपको पढ़ाए थे कि हम m इज इक्वल टू एच आई बाई एच, यानी मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या था, मैग्नीफिकेशन आपका प्रैक्टिकल लाइफ में मैग्नीफिकेशन क्या था, तो ये आपका एक ऐसा मैथमेटिकल डेटा था जो हमको इमेज के साइज का रिलेशन कंपेरिजन बताता था। किसके साइज के रिलेशन से, ऑब्जेक्ट के साइज के रिलेशन से, इमेज के साइज का रिलेशन ऑब्जेक्ट के साइज के रिलेशन से हमको बताए कि इमेज बड़ा बना है कि छोटा बना है, कितना बड़ा बना है ये, कितना छोटा बना है, ये हमको बताता था मैग्नीफिकेशन। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमको ये बताएगा कि जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है तो लाइट का बेंडिंग कितना ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, ये आपको समझना होगा। अब बहुत कुछ हम लोग बेंडिंग, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानना। तो सबसे पहले हमारे फिर से आते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपका यही होता है कि जब आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, तो जो हमारा एंगल आई और एंगल आर होता है, उन दोनों के साइन का रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस कांस्टेंट नंबर को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब अगर हम यूनिट का बात करें, तो ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपका, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस इसलिए होता है क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो होता है, एंगल का सेम क्वांटिटीज, ठीक है, का ये रेशियो होता है, ये एंगल और एंगल का ही रेशियो होता है। आगे चल के हम बात करेंगे कि हमारे स्पीड का भी रेशियो होगा, लेकिन आपका एंगल हो चाहे स्पीड हो, ये रेशियो आपके सेम क्वांटिटीज का होता है, जिसके चलते हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इस एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं एक क्वेश्चन को अप्लाई करके या बना के। जैसे एक क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू अ सब्सटेंस एक्स। एक लाइट का बीम है जो एयर से चल के किसी सब्सटेंस एक्स में प्रवेश कर रही है, समझिएगा, एयर से चल के कहाँ जा रही है, सब्सटेंस एक्स में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बीम ऑफ लाइट है जो एयर से चल के सब्सटेंस एक्स में जा रही है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बी 72 डिग्री।
अगर आपका एंगल आई जो है वो 72 डिग्री है, 72 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 40 डिग्री, और एंगल आर जो है ये आपका 40 डिग्री यानी कि 40 डिग्री है, तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स। तो हमारा सब्सटेंस एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हमारे सब्सटेंस एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि एन का वैल्यू क्या होगा। अभी अभी आपने सीखा कि एन जो होता है वो होता है आपका साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो कि एन इज इक्वल टू साइन आई, साइन आई का मतलब कि आपका साइन 72 डिग्री बाई साइन 40 डिग्री, यानी कि 0.951 बाई 0.642, 0.642। देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सुने होंगे तो आप समझे होंगे कि एक फर्स्ट मीडियम क्या था, एयर था, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम क्या था, एयर था, और एक्स नाम का कोई सब्सटेंस था, ये आपका एक्स नाम का कोई सब्सटेंस था जो सेकेंड मीडियम का काम कर रहा था, और एंगल आई जो था, एंगल आई ये आपका था 72 डिग्री, और एंगल आर जो था ये था 40 डिग्री। अब आप बताओ कि लाइट जो है, अगर आप ध्यान से इसको देखो, आप इस एंगल को ही देख के पता लग सकता है कि इसमें से कौन हमारा ऑप्टिकल रेरर मीडियम है और कौन हमारा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में लाइट का बेंडिंग टुवार्ड नॉर्मल होता है, और लाइट का बेंडिंग टुवार्ड नॉर्मल कैसे पता चलता है मैथमेटिकली, जब हमारा एंगल आर, जब हमारा एंगल आर छोटा हो जाता है किससे, एंगल आई से, तो ये क्या शो करता है कि हमारा लाइट जो है, हमारा लाइट जो है ये क्या किया है, बेंड किया है किधर, बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, हमारा लाइट जो है ये हमारे नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है। अब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कब होता है, जब हमारी सेकेंड मीडियम जो है, सेकेंड मीडियम जो है ये क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसर होती है, ये क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसर होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग जो नहीं पूछा था वो भी आप लोग कंक्लूड कर सकते हो कि सब्सटेंस एक्स जो है ये हमारा सब्सटेंस एक्स जो है ये सब्सटेंस ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, जिसके चलते इस सब्सटेंस एक्स में लाइट क्या हो रही है, बेंड कर रही है, लाइट बेंड कर रही है, किधर बेंड कर रही है, टुवार्ड्स नॉर्मल, क्योंकि हमको दिख गया कि ये लाइट टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है, क्योंकि हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल जो है, एंगल आर जो है वो एंगल आई से क्या है, कम है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस डायग्राम में दो आपके पास मीडियम है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, आप दिख भी रहा होगा, और ये आपका सेकंड मीडियम है। आपको बता दें कि ये फर्स्ट मीडियम और कोई नहीं एयर ही है, और ये सेकंड मीडियम और कोई नहीं ग्लास ही है। ठीक है, अब फर्स्ट मीडियम में से लाइट जो है वो चलते हुए सेकेंड मीडियम में जब प्रवेश कर रही है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही है। फर्स्ट मीडियम में लाइट का जो आपका वेलोसिटी है वो है V1। आप भी जानते हैं कि आपका V1 का वैल्यू क्या होगा, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब V2 यानी जब वो लाइट हमारे सेकेंड मीडियम में प्रवेश कर रही है यानी ग्लास में जब जा रही है, उस वक्त उसका वेलोसिटी जो है लाइट का वो हो जा रहा है V2, और वहाँ पर V2 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। अब कहने का मतलब है कि साफ दिख रहा है कि हमारा V2 जो है वो हमारा कम है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेकंड मीडियम में कम है, जिसके चलते सेकंड मीडियम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा, और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होने के चलते जो हमारे रिफ्रैक्टेड रे होगी वो नॉर्मल की तरफ दब जाएगी, नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, झुक जाएगी। लेकिन हमको यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको अपने एंगल के बेसिस पे नहीं, अपने स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे निकालना है। तो समझिएगा, ठीक है, कि किस हम लोग पहले तो बात ये समझो कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते किसका है, फर्स्ट मीडियम का निकालते हैं कि सेकंड मीडियम का निकालते हैं। अरे बाबू, तो आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ बेंडिंग को शो करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रैक्टिकली किस डेटा को शो करता है, तो बेंडिंग कितना हुआ है, बेंडिंग जो है लाइट का जो आपका अपने पास से भटक जाना, ये कितना भटकी है लाइट, कितना बेंड की है, या कितना आपका नॉर्मल से दूर भागी है, इसी का एक मैथमेटिकल डेटा होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट बेंड करती है या अपने नॉर्मल से दूर भागती है किस मीडियम में, फर्स्ट में कि सेकेंड में, सेकेंड में। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका निकालेंगे,
सेकेंड मीडियम का निकालेंगे। तो अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं अपने सेकेंड मीडियम का अपने फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो इसको स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प से निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसमें स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर रख दो, और जिस मीडियम में जा रही है उसकी स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रख दो, और उनका रेशियो निकाल दो, वही आपके फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। यानी कि मान लीजिए कि आपका लाइट जो है, पहले वाला ही केस बता रहे हैं, लाइट जो है ये आपका लाइट जो है ये इंटर कर रही है इनटू ग्लास में, कहाँ से, फ्रॉम एयर से। यानी लाइट जो है वो एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में। तो अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका निकालेंगे, तो अब बेंडिंग जो होगा ग्लास में होगा, तो हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी जहां से आ रही है उसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, इतना बड़ा जो हम लोग लिखे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, आप कुछ मत करो, एक एन दो, एन का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन के आगे आप क्या करो ग्लास लिख दो यानी कि जिस मीडियम में जा रही है, एन के पीछे आप एयर लिख दो यानी कि जिस मीडियम से आ रही है। तो यहाँ पे आपका इसको आप पढ़ोगे क्या, एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास यानी ग्लास का, और पहले एयर यानी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, स्पीड के कंपेयर में, तो जहाँ से स्पीड के रिस्पेक्ट में, तो जहाँ से लाइट आ रही है उसका स्पीड ऊपर, और जहाँ लाइट जा रही है उसमें हमारा लाइट का स्पीड नीचे, यानी कि लाइट एयर से हमारे ग्लास में आ रही थी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का किसी मीडियम का अपने स्पीड के केस में। ठीक है, यानी कि एन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू और वी ए बाई वी जी। ठीक है, वी ए बाई वी जी, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा वी वन है या वी ए है, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और जो हमारा वी टू है या वी जी है, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के दो तरीका हो गए, एक तो हमारा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा साइन आई बाई साइन आर था ही, अब हमारा अपने स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग भी, जहाँ से लाइट आ रही है उस मीडियम में लाइट का स्पीड जो होता है उसको ऊपर रख दो, फिर जहाँ लाइट जा रही है उस मीडियम में लाइट का स्पीड जो होता है नीचे रख दो, आप रेशियो निकाल दो, जो रेशियो आएगा वही आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का क्या होगा, वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, हम अपने ये जो वर्ड है बहुत बच्चे को परेशान करता है इसीलिए आपको हम इतना डिटेल में बता देते हैं, ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लोग दो फॉर्म में सीखें, एक हम अपने स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग सीखें जहाँ पे हम अपने एंगल आई और एंगल आर का इस्तेमाल करके और साइन आई बाई साइन आर करके हम लोग क्या निकालते थे, अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते थे। दूसरा हम लोग अपने स्पीड ऑफ लाइट का यूज किए, स्पीड ऑफ लाइट का यूज कीजिए, सपोज कीजिए लाइट आपका फर्स्ट मीडियम से चल के सेकेंड मीडियम में जा रही है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे किसका, सेकेंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, लेकिन निकालने का तरीका है कि फर्स्ट मीडियम में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको ऊपर रखेंगे और सेकेंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको नीचे रखेंगे, और दोनों का क्या करेंगे हम रेशियो निकाल देंगे यानी वी वन बाई वी टू। तो ये दो तरीका हुआ तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का अपने सेकेंड मीडियम का। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने इस सेशन को यहीं पे रोकेंगे, यानी जो हमारा पार्ट एट है, इस पार्ट एट में हम लोग जो पढ़ें उसमें हम लोग यही सीखें कि हमारे मेन चीज़ हम लोग क्या सीखें कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग सीखे थे कि इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ हम लोग बात किए थे,
और फिर हम लोग लास्ट में बात किए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और ये अभी ख़त्म नहीं होगा, हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा ये पार्ट 8 जो है वो ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए पार्ट यानी पार्ट 9 में, तब तक के लिए हमको दीजिए विदा और हम चलते हैं, और आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।